समाज के लिए उठे उठे जगदीश्वर राष्ट्र। हम सभी को पता है कि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और इस लोकतंत्र को सशक्त बनाने की जिम्मेदारी हमें मौके पर ही है कि हम अपने मत का अवश्य ही प्रयोग करें। 18 वर्ष से ऊपर जो सभी हैं उनको मतदान देने का अधिकार है और इस मत का प्रयोग हमें जाति धर्म समुदाय भाई भतीजावाद से प्रभावित हुए बिना करना, क्योंकि हम देखते हैं कि हम यहाँ पर जाति धर्म से जरूर प्रभावित होते हैं और हम प्रभावित करने की कोशिश ही की जाती है राजनीतिक दलों के द्वारा, है ना। महिलाएं भी प्रभावित होती है, धर्म जाति ने बताया जाता है आप इस धर्म से तो हम इस धर्म से आप हमें प्रमोट करेंगे तो हम आपके लिए बेहतर काम कर पाएंगे, लेकिन हमें एक सक्षम राजनीतिज्ञ को चुनाव करना है ताकि हम लोकतंत्र को सफल बना सकें। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनावों की गरिमा को बनाए रखने और हर चुनाव में निडर होकर और किसी धर्म नस्ल जाति समुदाय भाषा या किसी प्रलोभन के विचार से प्रभावित हुए बिना मतदान करने की प्रतिज्ञा करते हैं विद्यालय में मना रहे हैं। मेरी बात समझ में सभी को आ रही बच्चों को? गूंज तो नहीं रही? ठीक है, समझ में आनी चाहिए। वॉल्यूम चाहे मैं पीछे कर दूँ। ओम भूर्भुवः स्वः कुर्वन्निर्नियम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। महात्मा जात वेद से वेद स्वर्द स्वचे प्रवर्धया चास्मान प्रजया पशु ब्रह्म वर्चसे नाना तेन समेधय स्वाहा इदम अग्ने जात वेद से दन्न मम। जो पीछे बैठे ना उनसे भी बोला है स्वाहा बोलने के लिए, ठीक है, इनसे नहीं बोला केवल सबको बोला है। ओ मयंत महात्मा जात वेद से नेद स्वर्द स्वचे प्रवर्धया चास्मान प्रजया पशु ब्रह्म वर्चसे नाना तेन समेधय स्वाहा इदम अग्ने जात वेद से दन्न मम। स्वाहा तो बोल रही हूँ बेटी, पर ऐसा लग रहा है लड़ाई कर रही हूँ, है ना, प्यार से मधुर से कंठ से निकालो बढ़िया करती हूँ जो अच्छा लगे। ओ मयंत महात्मा जात वेद से वेद स्वर्द स्वचे प्रवर्धया चास्मान प्रजया पशु ब्रह्म वर्चसे नाना तेन समेधय निकाला और शुरू किया। आज उनके 200वें जन्म दिवस है।
पर हम सभी एकत्रित हुए हैं, तो आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि स्वामी जी अगर ना होते तो ये जो हमारी त्रुटियां थी हमारे अंदर, कई ऐसी त्रुटियां उन्होंने जो शिक्षा का प्रसार उन्होंने सबसे ज्यादा किया, और आज उनकी वजह से आप ये देखो कि आप इस विद्यालय में यहाँ बैठे हो, ये सब उनकी देन है सर, जिन्होंने शिक्षा का प्रसार सबसे ज्यादा किया कि हमारे देश में धर्मांधता और आपको बहुत ज्यादा वो आर्य समाज के सिद्धांतों पर ही है। आपको जो कंपेंडियम दिया जाता है उसमें भी हमने 10 अनमोल वचन उनके लिखे हुए हैं, और जैसे कि हमारे सदस्य श्री कुलदीप गुप्ता जी ने बताया आपको कि इनके पिताजी भी उन्हीं के साथ जुड़े हुए थे, और उन्हीं का जो सपना था कि लड़कियों के लिए कॉलेज जो है वो यहाँ पेशाबाद में होना चाहिए, उन्होंने दयानंद जी से ही प्रेरणा लेते हुए कि यहाँ पर बच्चियों को, जैसे वो कहते हैं कि उन्होंने कदम उठाए स्वामी दयानंद जी ने कि गर्ल्स की एजुकेशन के लिए पहले मना होता था, अभी आपको जिन्होंने हमन किया उन्होंने भी बताया, सर ने भी बताया, तो इस चीज के लिए जो कदम उठाया वो हमारे श्री कुलदीप गुप्ता जी के जो पिताजी थे उन्होंने उठाया माधुराम जी ने, और उन्होंने ही इस कॉलेज की नींव रखी। तो ये सब बातें जो सर बता रहे हैं या उन्होंने बताई, आप सबको ये सुननी चाहिए, ठीक है, और इनके बारे में पता होना चाहिए। आजकल हम फोन में सब बिजी रहते हैं और हमारे पास ऐसी हमारी संस्कृति की चीजें जो है वो हमें पढ़ने का टाइम नहीं होता ना हमारा मन करता है, लेकिन जब कोई बता रहा होता है तो उसे सुनना जरूर चाहिए। जैसा कि मैं देख रही हूँ कि सब बता रहे हैं लेकिन कुछ बच्चे हैं अपने में मस्त हैं बातें